हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे हाफ सब्सट्रैक्टर और फुल सब्सट्रैक्टर के बारे में, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी पूछा जाता है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पहले हाफ एडर और फुल एडर के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं, या तो आई टैब पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग हाफ एडर में देख रहे थे कि हम लोगों के उसमें क्या हो रहा था, दो इनपुट ए और बी हो रहे थे और आउटपुट में भी दो आउटपुट आ रहे थे, एक था क्या, एक सम था, एक कैरी था। लेकिन इस बार क्या है, हम लोगों का सब्सट्रैक्टर है तो यहाँ पे हम लोगों का डिफरेंस आएगा और कैरी की जगह बोरो आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग जीरो में से जीरो को घटाएंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस उसका जीरो आएगा और बोरो भी जीरो रहेगा। ठीक, अब देखिए जीरो में से अगर हम लोग वन घटाएंगे तो क्या करेगा ये, देखिए जीरो माइनस वन, डिफरेंस तो वन आएगा। ठीक, डिफरेंस तो वन आएगा लेकिन इस बार बोरो भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक, इससे बोरो लेगा तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो जब टेन में से वन माइनस करेंगे तो हमेशा हम लोगों का टेन माइनस वन वन ही होता है, और डिफरेंस क्योंकि बोरो लिया तो बोरो भी वन हो जाएगा। अब वन माइनस जीरो, डिफरेंस तो डिफरेंस वन होगा लेकिन इस बार बोरो क्या हो जाएगा, बोरो जीरो हो जाएगा। और वन माइनस वन में ये जीरो और बोरो भी हम लोगों का जीरो। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन। तो हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग सबसे पहले डिफरेंस का लिखेंगे। तो डिफरेंस में मैंने पहले बताया था कि जो हम लोग का सम आ रहा था उसमें जहाँ पे वन होता है हम लोग उसके हिसाब से उसका लिखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे वन है डिफरेंस का, तो हम लोगों का देखिए ए में जीरो है और बी क्या है, वन है, तो ए बार हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोगों का वन है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी जीरो है तो ए बी बार हो जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट किसका है, एक्सओआर गेट का, जैसे कि हम लोगों का सम में आ रहा था जैसा कि सेम। और बी में देखिए बोरो में सिर्फ एक ही है जो कि ये है, ए जीरो है, बी क्या है, वन है, तो ये हो जाएगा ए बार बी। ठीक है, तो इसका आप लोग लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। तो इसका लॉजिक सर्किट अगर आप लोग देखेंगे तो इसका लॉजिक सर्किट कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसमें एक्सओआर गेट हम लोगों सबसे पहले लगा देते हैं। एक्सओआर गेट का मैं पीछे बता चुका हूं कि अगर कभी डिफरेंस या सम का आपको पूछे तो इसका अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, तो आप हाफ एडर वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और बोरो के लिए पहले हम लोग ए में क्या करेंगे, पहले एक नॉट गेट लगा देंगे और उसके बाद एंड गेट लगा देंगे, तो हम लोगों का ए बार बी आ जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया हाफ सब्सट्रैक्टर। तो आगे बात करते हैं फुल सब्सट्रैक्टर की। तो हम लोग बात कर लेते हैं फुल सब्सट्रैक्टर की। जैसा कि फुल एडर में हो रहा था कि हम लोगों का इनपुट क्या हो जा रहे थे, तीन इनपुट, जैसे कि ए बी सी और डिफरेंस और डी, डी और बी क्या है, हम लोगों के आउटपुट हैं यहाँ पे। तो हम लोग आउटपुट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिए जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो यानी डिफरेंस इसका जीरो होगा, बोरो भी जीरो होगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीजें हैं, तो पहले ए माइनस बी का डिफरेंस जीरो हो जाएगा और जीरो माइनस वन क्योंकि एक कम है ये बड़ा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बड़ा करने के लिए कैरी देंगे, मतलब ये बोरो लेगा, यानी ये टेन हो जाएगा, टेन माइनस वन वन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, वन और बोरो भी हो जाएगा वन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम तरीके से जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, फिर वन, वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, तो डिफरेंस तो वन हो जाएगा लेकिन बोरो भी इस बार वन होगा। अब यहाँ पे आप देखिए जीरो माइनस वन वन तो हो जाएगा ना, जीरो माइनस वन डिफरेंस वन, वन माइनस वन फिर से डिफरेंस इस बार जीरो दे देगा लेकिन बोरो वन हो जाएगा। ठीक, कैसे, अरे जीरो माइनस वन ये छोटी यूनिट है, ये बोरो लेगा। ठीक है, बोरो तो वन हो गया, अब यहाँ से आप समझ गए, अब यहाँ से टेन माइनस वन क्या हो जाएगा, नाइन, नाइन को क्या कर सकते हैं, हम लोग डेसिमल में चलते हैं तो टेन माइनस वन वन ही हो जाता है, फिर वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डिफरेंस जीरो। सिमिलरली यहाँ पे वन माइनस जीरो वन हो जाएगा और वन माइनस वन जीरो, और यहाँ पे इस बार बोरो भी जीरो आ रहा है, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो वन, फिर वन माइनस जीरो, डिफरेंस वन, और यहाँ पे बोरो जीरो हो जाएगा। वन माइनस वन क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस वन डिफरेंस वन, बोरो भी इस बार वन हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मेरे हिसाब से कोई डिफरेंट नहीं बात है। तो अभी हम यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंस के लिए आप लोग वन वन कहाँ पे दिख रहा है, वन 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 और वन, यहाँ पे देखिए ए बार बी बार सी, ठीक, ए बार बी बार सी, प्लस यहाँ पे ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, प्लस यहाँ पे वन, तो ये हो जाएगा ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, प्लस यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे ए बी सी, ये कुछ नहीं है बल्कि एक एक्सओआर का, जब हम लोग एक्सओआर में तीन इनपुट देते हैं तो वो कुछ इसी तरीके से दिखता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोगों का डिफरेंस। अब आप जो बुलियन एक्सप्रेशन फॉर बोरो लिखेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था फुल एडर में, तो अगर आप वन वाला देख के करेंगे तो हो सकता है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाद में चल के, बुलियन के कुछ रूल्स की हेल्प से उसको ज़्यादा सॉल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर आप लोग करेंगे तो के मैप से बना लीजिए, के मैप से आप लोगों को आसान हो जाएगा। तो के मैप हम लोग पहले बना लेते हैं।
तो के मैप हम लोग ये बना लिए हैं। यहाँ पे हम लोगों का तीन इनपुट है, इसलिए देखिए हम लोगों ने ये ऐसा टाइप का बनाया। अगर आप लोग के मैप वाला वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को के मैप ना समझ में आया, तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट ही लिंक में सेव कर दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक, तो अब हम लोग के मैप से इसको सॉल्व करेंगे। के मैप से क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट आपका बुलियन एक्सप्रेशन आ जाता है, उसको आपको फर्दर रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आप वैसे लिखेंगे वन वन वाला देख के बोरो में फुल सब्सट्रैक्टर और फुल एडर में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप डायरेक्ट के मैप से बनाइए। तो यहाँ पे एक इनपुट ये ए, यहाँ पे बी, ये जीरो जीरो, ये जीरो वन, ये वन वन, वन जीरो, जीरो वन। ठीक, अगर आप लोगों को ये समझ ना आ रहा हो कि 01 के बाद 11 क्यों आए, ये सब के मैप वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 11 कहाँ पे दिया हुआ है, बोरो में 1 एक जगह है, यहाँ पे 001 वाले में 001 का है, 001 एक यहाँ पे है आप लोगों को 1, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक, अगर आप लोग भी ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप इतनी तेजी से कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप लोगों को तीन पेयर बनेंगे, जैसा कि एक फुल ऐसे ही फुल एडर वाले में बन रहे थे तीन पेयर। ठीक, ये दो और ये तीन। ठीक, तो इसके लिए आप, तो जैसा कि हम लोग देखें यहाँ पे तीन पेयर बना है, एक दो तीन। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ए दोनों में चेंज नहीं हो रहा है इसमें, और यहाँ पे कौन सा नहीं चेंज हो रहा है, 0111, यानी यहाँ पे सी नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ए जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। ठीक, अब ए बार हो जाएगा और यहाँ पे क्या नहीं चेंज हो रहा है, सी हो जाएगा। फिर प्लस इस वाले में भी ए बार हो जाएगा और क्या नहीं चेंज हो रहा है, 1110, यानी ए बार बी हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या नहीं चेंज हो रहा है, सिंस ए चेंज हो जा रहा है, बचा क्या, बी सी, दोनों 11 है। ठीक है, तो बी सी हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या है, बोरो का बुलियन एक्सप्रेशन है। तो अब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें डिफरेंस की में हम लोग क्या किए हैं, एक्सोर गेट है। ठीक, एक्सोर गेट देख सकते हैं इसमें, लेकिन तीन इनपुट है। ठीक, ए बी और सी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को जो बोरो का आउटपुट है, उसमें ए में आप लोगों को हर बार बार लगाना है, यानी ए में आपको नॉट गेट लगा देना है सिंपली, और आप लोगों को आउटपुट हमेशा एंड गेट के साथ जोड़ना है, और आखिरी में और गेट लगा देंगे तो हम लोगों का ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी ए बार आ जाएगा। तो ये था हम लोगों का सर्किट डायग्राम फॉर फुल सब्सट्रैक्टर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, होप आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो, ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो मिल सके और वो भी अपने नोट्स बना सकें, और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।